मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेमावा थाना प्रभारी राजाराम वासकले की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हमने एक बहादुर सिपाही खो दिया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि टीआई राजाराम वासकले के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी। वासकले कल एक शव को पानी से निकालते वक्त खुद हादसे का शिकार हो गए। नेमावा थाना प्रभारी राजाराम वासकले को सूचना मिली थी कि कुंडगांव की नदी में एक अज्ञात शव तैर रहा है। सूचना के आधार पर टीआई शव निकलवाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन शव निकालने के दौरान दुर्भाग्य से वो हादसे का शिकार होकर जामनेर नदी में जा गिरे, जिसके बाद टीम और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और तुरंत हरदा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर कहा कि टीआई राजाराम बड़वानी जिले के रहने वाले थे, हम सभी के लिए ये दुखद क्षण है। टीआई राजाराम का परिवार अब हमारा परिवार है, हम उनका हमेशा ख्याल रखेंगे। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दें। बहुत दुखद घटना हुई। हमारे टीआई श्री राजाराम वासकले जो बड़वानी जिले के ही कोइडिया राजपुर के निवासी थे, अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए वो एक शव को निकालने नदी में कूदे थे, लेकिन दुर्भाग्य से भंवर में फंस गए और हमारे बीच नहीं रहे। वो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनकी पत्नी, 2 बच्चे, 4 साल का बेटा और 1-2 महीने की बेटी है। अब वो मेरा परिवार है। हमारे ऐसे बहादुर साथी राजाराम के चरणों में मैं श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ, इसलिए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और उस परिवार का, छोटे छोटे मासूम बच्चों का और हमारी बहन का हम सदैव ध्यान रखेंगे। उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार के साथ हम खड़े हैं। मैं स्वर्गीय राजाराम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें राज्य शासन की तरफ से राज्य सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल जाएंगे। एक बार राजाराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।